हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एम्स के आ गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। चैप्टर हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो ये एक नया एडुकेशन ये एक नए एडुकेटर हमारे आ गए हैं, विपिन सर यहाँ पे आपके, ठीक है। तो विपिन सर भी अब से आपको पढ़ाएंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपके लिए और एक नया एडुकेटर हम लेके आए इस प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था। और मैं पिछले 4 सालों से नीट और AIIMS एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे मैं आपको 7 से 8 और 9 से 10 बजे पढ़ाता हूँ, और मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। नाउ दिस इज़ अ प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है फॉर योर नीट एंड AIIMS प्रिपरेशन। नीट और AIIMS के लिए आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, जो लेटेस्ट पैटर्न, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। फ्रॉम 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स इन इंडिया आपको यहाँ पे इस प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है गाइज। तो ये प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया के टॉप 40 एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों आपके नीट का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इस क्लासेस का हायरार्की ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका PDF सेशन भी आपको मिल जाता है। तो लाइव क्लासेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाता है, नोट्स, वो इंग्लिश में आपको इसका नोट्स मिल जाता है, राइट। दूसरा क्या है, आपको अगर रिकॉर्डिंग भी समझ नहीं आया या लाइव क्लासेस में समझ नहीं आया कोई चीज़, तो आप डाउट सेशन में उसको रिव्यू कर सकते हैं। डाउट सेशन में आप उस टीचर से उसको 1-on-1 इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंडली फिर आपको देखना है कि आपको कितना समझ में आया, उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं या क्विज अटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको रियल टाइम रैंक मिलता है, जो आपके लिए अगेन बहुत बेनिफिशियल है। एंड फाइनली आपको पर्सनलाइज लर्निंग का ऑप्शन मिलता है। पर्सनलाइज लर्निंग, टॉपिक स्पेसिफिक लर्निंग आप अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, और टॉपिक स्पेसिफिक लर्निंग आप अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये आपके कोर्सेज कुछ मेरे चल रहे हैं, मैम का जेनेटिक का कोर्स चल रहा है, मेरा ड्रॉपर्स का कोर्स चल रहा है। तो अलग अलग कोर्सेज आपके नीट और AIIMS के ठीक चल रहे हैं। ये सारे एडुकेटर्स आपको नीट और AIIMS के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, और ये टेस्ट हमारे जो हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग 100+ टेस्ट टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो 100+ टेस्ट आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बायो के लिए 39 कोर्सेस है, बैचेस कोर्सेस 33 है, केमिस्ट्री के लिए 17 कोर्सेस है, और फिजिक्स के लिए 14 कोर्सेस है। तो दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। वी आर प्रोवाइडिंग यू 100+ कोर्सेज ऑन 100+ टेस्ट, ठीक है। ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं जो आपके आने वाले हैं। करना क्या होगा आपको, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आपको प्लस पे आना है। जैसे आप प्लस पे आओगे, आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप 6 मंथ का प्लान, 12 मंथ का प्लान या 24 मंथ का प्लान, तीनों में से जो आपको समझ में आता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 मंथ का प्लान आपका 24,000 का है, 12 मंथ का प्लान आपका 30,000 का है, एंड 24 मंथ का प्लान आपका 48,000 का है। और इन सारे प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड आनंद यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो रेफरल कोड का ऑप्शन है, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, चाहे वो 6 मंथ के लिए आप यूज़ करो, चाहे आप 12 मंथ के लिए यूज़ करो, या आप 48 मंथ के लिए यूज़ करो, आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मेरी NCERT एक्सट्रैक्ट की कॉपी मिल जाएगी। तो जैसे आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करो, आप मुझे मैसेज ज़रूर करें ताकि आपको वो NCERT एक्सट्रैक्ट की कॉपी मिल पाए, और जो इफेक्टिव अमाउंट होगा दैट विल बी 30,000। प्रोसीड टू पेमेंट करो, और जो अमाउंट आपको फिर बाद में दिखेगा दैट इज़ 27,000। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सके, आप इनरोल कर सकते हैं प्लस में। 2 ईयर प्लान के लिए सेम है, 48,000 अमाउंट है। यहाँ पे आप प्रोमो कोड आनंद यूज़ करो, 10% का डिस्काउंट लो, NCERT एक्सट्रैक्ट की कॉपी लो, और जो इफेक्टिव अमाउंट आ जाएगा वो आपका 43,200 रुपीज़ आ जाएगा। तो गाइज दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट ऑन टू द प्लस प्लेटफॉर्म। जल्दी से जल्दी आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आओ ताकि आप अपनी नीट और AIIMS की कोचिंग को स्टिमुलेट कर पाओ, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं AIIMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जल्दी जल्दी से आप लोग सब आ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। खास करके ECG बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बनते थे, वाल्व्स पे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते थे, तो हम उन क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस शुरू करते हैं।
चलो कोई नहीं, हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो, जल्दी। हेलो कृष्णा, हेलो डॉक्टर शोभित, हेलो इमैनुअल, आ जाओ बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निहारिका स्टार्ट कर दिया, हेलो तनिष्का, चलो स्टार्ट, आंसर दो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन, टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, देवांशु डी, अनुराधा बी, देवांशु सी, क्या होगा आंसर? देखो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, पी क्यू आर एस टी यस हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखो कार्डियक साइकिल के हिसाब से आपको समझाते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल के हिसाब से क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यू आर एस और टी। तो अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें, सबसे पहले मेरा क्या होगा कि यहां पे ये मेरा अगर मान लो हार्ट है, इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये मान लो मेरा हार्ट है, राइट एट्रियम के पास यहाँ पे ऐसे नोड सिग्म डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कराया है, तो ठीक है। तो ये जो सिग्नल निकल रहा है, जो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कराएगा, दैट इज पी, ठीक है। तो मेरा जो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है, जो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रहा है वो पी है, और ये पी क्यू इंटरवल पे मेरा, जब हम पी क्यू इंटरवल पे आएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड मेरे वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो जो ये मेरा पी क्यू इंटरवल है, ये मेरा दिखाएगा एट्रियल सिस्टोल, पी क्यू इंटरवल क्या दिखाएगा, एट्रियल सिस्टोल। और जो मेरा पी वेव है, पी वेव क्या दिखाएगा, पी वेव मेरा दिखाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाता है जिससे ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ब्लड पंप होगा, ब्लड पंप होगा और वो वेंट्रिकल में जाएगा। तो क्यूआरएस के बाद, क्यूआरएस मतलब एसटी इंटरवल जो है, ये मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेरा क्या दिखाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेरा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाएगा, और ये जो एसटी इंटरवल है, यहां पे मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो जब मेरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, पल्स प्रेशर निकलेगा, मतलब मेरे वेंट्रिकल से आर्टरी में खून आएगा, तो हमको ये पल्सेशन पता चलेगा, पल्सेशन पता चलेगा, तो पल्सेशन पता चलेगा तो क्या हो गया, तो वो पल्सेशन मेरा पल्स प्रेशर दिखाएगा। तो जब हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो वन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन पल्स होगा। तो मेरा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स, तो हर बार एक 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 कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वन कंपल्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पी पीक में क्या होगा, दोनों का इनिशिएशन होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो ये गलत है। पी एन आर पी क्या है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये भी गलत हो गया। और टी पीक इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक डायस्टोल होना चाहिए था तुम्हारा, यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ज्वाइंट डायस्टोल, तो इसलिए टी वाला भी, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आंसर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। हेलो गाइस, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली होगा, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया, बताओ। देखो गाइस, द होल पर्पज ऑफ दिस इज कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम उस टॉपिक को फिर से रिव्यू करेंगे, तो अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। Got it? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है चले आगे. चलो अगला बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी. ये तो बहुत इजी है. जल्दी बता दो. हैप्पी दशहरा हर्षिता. चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी. क्या आंसर क्या फिर से बताना है विनय. चलो भाई थोड़ा एनर्जी दिखाओ तुम लोग. हाँ अरमान सी देवांशु ए अर्पित सी. बिल्कुल सही. सी इज द करेक्ट आंसर. बल्क ऑफ जो है ये मेरा जाता है सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. मेरा फोन गिर गया. ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर. बाइकार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी. बिल्कुल सही. बल्क ऑफ जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है 70% मेरा जो होता है वो बाइकार्बोनेट इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा में जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है. ठीक है और 20-25% जो मेरा है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जाता है. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. इजी है तो सी इज द करेक्ट आंसर. चलो अगला. हाँ नहीं टूटा फोन. हाँ हाँ जल्दी जल्दी करा रहा हूँ. चलो आ जाओ अगला. देखो फिर से इसका क्वेश्चन है. द डायग्राम ये रिप्रेजेंट द पी वेव. रिप्रेजेंट पी वेव क्या दिखा रहा था भाई जल्दी बताओ. पी वेव क्या दिखा रहा था. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. टी वेव मेरा दिखाता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखाता है मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल या हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. और पी वेव मेरा दिखाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया स्टार्ट करेगा. इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. तो आंसर क्या हो जाएगा. बिल्कुल सही. देवांशु डी अरमान बी अंकित डी माधव बी डी अनुराधा डी अर्पित डी. ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मेरा यहाँ पे दिखाता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर. क्या है भाई कि अगर स्टैंडर्ड ईसीजी हम देखें तो पी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होता है या एट्रियल सिस्टोल होता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है गुड. चलो अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ध्यान से देखो क्वेश्चन और आंसर दो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. हाँ जी डी होगा. बी कैसे होगा यार. बी कहां हो रहा है. बिगनिंग ऑफ सिस्टोल. कौन सा सिस्टोल. तो बिगनिंग ऑफ सिस्टोल डिपेंड करता है ना किसका बिगनिंग ऑफ सिस्टोल होता है. तो क्या होगा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करेगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया कराएगा. राइट ये कराएगा मेरा इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया कराएगा. ठीक है तो एट्रियल सिस्टोल का इनिशिएशन कराएगा. इसलिए आंसर डी होगा. डी इज द करेक्ट आंसर. हाँ जी ठीक है अगला. हाँ देखो क्या है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग. कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है जल्दी बताओ आंसर फटाक से. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ गाइज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाए ताकि. हेलो सनी. क्या है भाई. हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई आ जाओ.
हेलो हिमाद्री, चलो गाइस जल्दी फटाक से फटाक से। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सी होगा, अभिजीत सी, अंकित बी, अर्पित सी, सनी सी, देवांशु बी, अनुराधा सी। देखें क्या है भाई, तो ज्यादातर लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। क्या है पहला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो ल्यूकोसाइट्स डिसइंटीग्रेट्स इन स्प्लीन, ये तो गलत हो गया है ना, स्प्लीन और लिवर में ल्यूकोसाइट का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। न्यूट्रोफिल्स ब्रिंग्स अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मेरा न्यूट्रोफिल नहीं करता, न्यूट्रोफिल मेरा फैगोसाइटोसिस करता है। राइट, मेरा न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है, इसलिए यह भी गलत हो गया। ठीक है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो मेरा स्टेटमेंट कौन सा गलत है, 1 और 3 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। लिम्फोसाइट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है। दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स, जो मेरा एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं सनी, अच्छा एंजॉय करना चाहिए, कभी कभी पूजा करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, अगले से क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला अगला अगला, हाँ सी सही आंसर। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिस इज अ मैचिंग पेयर, फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन बॉडी पेचर इन वॉल्यूम इज नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर एंड इज वैल्यू इज काउंट इज सही फॉर अ नॉर्मल यूरिन। अभिजीत ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर पूछ रहा है बाबू, मैचिंग पेयर पूछ रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर पूछ रहा है, मैचिंग पेयर ऑफ ठीक है, ए रॉन्ग है, बिल्कुल ए रॉन्ग है। बिल्कुल सही, ठीक है, देखो यूरिया जो है ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है, ए कैसे रॉन्ग है, तो ये होगा मेरा 20 से 25 मिलीग्राम ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है तुम्हारा पर 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, 22-25 मिलीग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम 5-6 लीटर, टोटल ब्लड वॉल्यूम 5.5 लीटर एडल्ट में होता है, ये भी सही है स्टेटमेंट। इसका जो वैल्यू है ये 110 mg होगा, जो ब्लड फास्टिंग होता है पीपी फास्टिंग 110 मिलीग्राम होता है। ठीक है, पीपी फास्टिंग अगर 110 मिलीग्राम से कम है तो होता है, तो ये 110 होगा ये पीपी फास्टिंग, तो ये वाला भी गलत हो गया। ब्लड वॉल्यूम जो है सी है, और ESR जो होता है 9-15 mm इन मेल्स और 20-34 इन फीमेल, तो ये गलत है। ESR का जो वैल्यू होता है ईस्ट्रोजन मेथड में, विंट्रो मेथड में डिफरेंट हो जाता है, ईस्ट्रोजन मेथड में डिफरेंट हो जाता है, और इस मेथड में क्या होता है कि अगर मेरा ESR ज़्यादा है, ESR ज़्यादा है तो ये दिखाता है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये आता है, ये 9-15 नहीं 0-15 आ जाएगा कुछ एज के केस में,
तो ई एस आर मेरा तुम्हारा ये विंट्रो मेथड में ये भी गलत है, तो आंसर सी होना चाहिए इसमें। टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है मेरा जो ब्लड होता है वो 5.5 to 6 लीटर प्रेजेंट होता है। ब्लड फास्टिंग पीपी 110 है, जो मैक्सिमम ब्लड फास्टिंग होता है इट शुड बी लेस देन 110, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, लगभग 5.5 लीटर होता है। हाँ, मेल में जो ये सारे वो 3 to 7 है, तो ये भी गलत हो गया मेरा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। हाँ, सी सही है ना, राइट। 5.5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली ब्लड वॉल्यूम होता है, तो 5 to 6 लीटर हम मान सकते हैं। लीटर मेंशन नहीं है, चलो यहाँ पे लीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 to 6 लीटर होगा ना, लीटर ही होगा, ठीक है। बी बाबू इसलिए नहीं होगा ना, बी आपका 100 ml जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली सही है, लेस देन 110 mg होता है, ठीक है। जो मेरा पीपी फास्टिंग होता है वो लेस देन 110 mg होता है, तो बी और सी दोनों सही है वैसे तो, बट ये बी उतना ज़्यादा सही नहीं है। 5 to 6 लीटर एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है ना मेल में, 5.5 लीटर या 6 लीटर होता है, तो उस हिसाब से ठीक है, सी भी ठीक है मेरा, ठीक है। बी मेरा जो है एवरेज फास्टिंग का, इसलिए बी का ये है। कोई बात नहीं, लीटर मेंशन नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अरे लीटर टाइपिंग मिस्टेक होगा बाबू, लीटर 5 to 6 क्या होगा, नंबर थोड़ी होगा, अगर ब्लड दिया है तो लीटर या एमएल में ही होगा, तो उस हिसाब से यहां पे क्या होता है कि जो ये फ्लास्टिंग है ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है ना, ये 70 to 110 होगा, 110 होता है mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो थोड़ा सा डेविएट किया हुआ, इसलिए मैं बी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं सी कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आया मेरी बात, क्या बोल रहे हैं, यहां देखो, यहाँ पे लीटर नहीं दिया ये मैं मान रहा हूँ, बट ये भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये शुड बी लेस देन 110 के अगर ऊपर जाता है तो हम मानते हैं पीपी फास्टिंग आपका शुगर हुआ हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्वायर ऑफ ब्लड, रिजर्वायर ऑफ ब्लड कौन सा इसमें से रिजर्वायर ऑफ ब्लड होगा, चलो अगला बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब चलता है, ठीक है। देखो कभी इस तरह का अगर ऑप्शन आ जाएगा तो अगर गलत आपको दिया हुआ है तो आपको उसका बेनोस नंबर मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको एग्जैक्ट चीज पता होना चाहिए, और कभी भी जो तो इसमें हम बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, जो बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है हम उसको लेके चल लेते हैं, राइट। ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, देखो ESR हम क्या करते हैं, जब कभी किसी का इन्फेक्शन होता है ना तो हम चेक करते हैं किस स्पीड से ESR मेरा, सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं इरिथ्रोसाइट्स को, और उसके बाद हम उसको घुमाते हैं, उसके बाद हम उसको सेटल करने देते हैं, तो टाइम पीरियड हम देखते हैं किस टाइम पीरियड में ESR मेरा सेडिमेंटेट कर रहा है, और वो एक रोलेक्स कॉम्प्लेक्स बनाता है, और हम उस पर काउंट करके हम देखते हैं कि अगर उसमें एंटीजन ज़्यादा है, अगर मान लो कि कोई पैथोजन है मेरे बॉडी में, तो मेरा ESR बढ़ा हुआ आएगा, इतना बस जान जो, इन्फेक्शन होगा तो ESR बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। डी सी, देखो रिजर्वायर ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक मतलब रिजर्वायर ऑफ RBC जो है वो स्प्लीन होगा, स्प्लीन मेरा रिजर्वायर ऑफ RBC भी होगा, और रिजर्वायर ऑफ प्लेटलेट्स भी होगा, और ग्रेवियार्ड ऑफ RBC भी होगा, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC भी मेरा स्प्लीन ही होगा, तो स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ RBC, रिजर्वायर ऑफ प्लेटलेट्स एंड ग्रेवियार्ड ऑफ RBC, ठीक है, ये स्प्लीन होगा, ठीक है, आंसर इसका लिख लीजिए। हाँ, मेथड होता है बाबू इस्ट्रोजन उसका, ठीक है, तो रिजर्वायर ऑफ RBC, प्लेटलेट्स ऑफ ग्रेवियार्ड ऑफ RBC, ये मेरा स्प्लीन होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू द ब्लड इन द नॉर्मल पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सर उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे अगर कम एज पे होता है, रेफरेंस वैल्यू का जो ग्रुप होता है, आपको रेफरेंस वैल्यू उसको याद नहीं करना, रेफरेंस वैल्यू का जो ग्रुप होता है, जैसे अगर 15 साल से कम है तो ये सर कम होगा,
फिर उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा ईएसआर बढ़ता जाता है, क्योंकि आरबीसी का हैवी होता जाता है ना, तो इसलिए किसी भी केस में कोई भी अगर पैथोजन है आपके बॉडी में, किसी तरह का भी इन्फेक्शन है, तो आपका ईएसआर बड़ा होगा। ईएसआर हम लोग कभी कभी जब हम कंप्लीट ब्लड कल्चर करते हैं तो उसमें हम ईएसआर चेक करते हैं, तो कोई भी आपके बॉडी में पैथोजन है तो आपका ईएसआर बड़ा हुआ रहेगा। हाँ जी, डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। हाँ तो क्या है भाई, कंपेयर टू आर्टरीज वेन आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड लेस ऑफ द बॉडीज ब्लड एट अ गिवन टाइम, बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। ब्लड सेल कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये भी गलत है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ लिम्फ नोड ओनली, ये भी गलत है। द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC, बिल्कुल सही। प्लेटलेट्स का नंबर होता है 150,000 टू 350,000, और WBC का होता है 6,000 टू 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, तो 6,000 टू 8,000 हो गया पर mm³ ऑफ ब्लड, तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन WBC, ठीक है। हाँ जी, डी इज द करेक्ट। कैसे बी है बाबू, ब्लड में प्लेटलेट ज्यादा होगा ना, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स किसका ज्यादा होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होता है, और इसका होता है नंबर ऑफ WBC होगा 6,000 टू 8,000 पर mm³ ऑफ काउंट, तो TLC जो मेरा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल प्लेटलेट काउंट करेंगे तो टोटल प्लेटलेट काउंट ज्यादा होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एलेक्स बाबू, AIIMS 2020 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, जाके उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। कुछ भी हो, AIIMS हो ना हो 2020 में, उसके लिए आप पैनिक मत कीजिए, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, जैसे आपका नीट का पैटर्न है वैसे ही पैटर्न रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, तो टेंशन मत लो। लिम्फ के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता इसलिए कोएगुलेट नहीं करता है, ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स उसके पास प्रेजेंट नहीं होता। चलो अगला, क्या है, अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन मीन्स विथ अ मीट्स विथ अ सीरियस एक्सीडेंट सॉरी एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड रेडिली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन। तो अगर मान लो कि कोई एक आदमी है, उसको एक्सीडेंट हुआ है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है और हमको ब्लड ग्रुप उसका नहीं पता है, हम कौन सा ब्लड उसको दे सकते हैं। ए, बिल्कुल सही, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, लिख लो यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो मेरा AB पॉजिटिव होता है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये मेरा ओ नेगेटिव होता है। तो ओ नेगेटिव ब्लड हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं सेफली, एज्यूमिंग उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ठीक है। तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर एंड ओ पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इस दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए, ये आपको क्लियर कर देगा सारा डाउट आपका, ठीक है। हाँ जी, बी कैसे होगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, समझो समझो, देखो अगर मान लो उस पेशेंट, जो पेशेंट था उसका ब्लड ओ नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले पाएगा, ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले पाएगा, क्योंकि RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगा, तो इसलिए हमको ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, बट ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ओ नेगेटिव, ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, बट ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगा, राइट। RH फैक्टर इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो अगर ये वाला इसमें दिए तो इसके पास एंटी RH बनाएगा, वो उसको मारने लगेगा,
यहां के केस में वो नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल डोनर मेरा ओ नेगेटिव होता है एंड यूनिवर्सल रिसिपियंट मेरा ए बी पॉजिटिव होता है, इस पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हाँ ठीक है, फिर भी आजकल डॉक्टर सेम ब्लड ग्रुप इसलिए आप प्रिफर करते हैं क्योंकि क्या होता है कि वो ब्लड ग्रुप को ब्लड को कोएगुलेट करने में दिक्कत होता है या उसके एंटीबॉडी या एंटीजन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बेटर है अगर सेम ब्लड ग्रुप हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट अगर नहीं मिलता है तो हम लोग डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, चलो चलो अगला, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल। यार हम तुम लोग का डेडिकेशन देख के इंप्रेस है, मतलब बताओ 40 लोग देख रहे हैं आज दशहरे के दिन, तुम लोग सिंसियरली बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आई एम सो ग्लैड। मुझे लगा था मतलब लोग बच्चे अभी थोड़ा कम आएंगे, कम क्लासेस करेंगे क्योंकि दशहरा के टाइम में आप लोग घूमने जाते हो, बट आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन देख के मतलब हैट्स ऑफ, थम्स अप टू यू गाइज, गुड जॉब गाइज। इसी तरह से सिंसियरली आप पढ़ते रहो, नीट में आप बहुत अच्छा करोगे, ये डेडिकेशन आपका दिखता है, ठीक है, आई एम इम्प्रेस। चलो अगला, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड क्या होगा? क्या है? आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट कौन सा आर्टरी होगा जो ब्लड हार्ट में पहुंचा रहा है, हार्ट में जो खून दे रहा है, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। बिल्कुल सही, ठीक है। अयोटा से ब्रांच निकलता है और इस अयोटा का जो अयोटिक नॉच है, इस अयोटिक नॉच से मेरा एक ब्रांच निकलता है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी मेरे पूरे हार्ट को खून पहुंचाता है और कोरोनरी आर्टरी फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 माइनस ब्लड जो है ये पहुंचाता है कोरोनरी साइनस में, और ये कोरोनरी साइनस मेरा कहां खुलेगा, ये कोरोनरी साइनस मेरा जाएगा कहां पे, राइट एट्रियम में खुलेगा। तो ये मेरा कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, तो आंसर सी सही है। कैरोटिड आर्टरी तुम्हारे ऊपर ब्रेन या हेड को पहुंचाएगा खून, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी लिवर एंड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स, ठीक है। हिपैट्रिक आर्टरी लिवर एंड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ चलो, सी इज द इजी आंसर। चलो अगला, अगला, ए मैल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड वुड मोस्ट लाइकली इंटरफेयर विथ द, मैल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया तुमने अभी तक, वीडियो लाइक करो पहले। अ मैल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, अ मैल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड would most likely interfere with the, जल्दी बताओ, आंसर जल्दी। क्या होगा आंसर? डी, इमैनुअल डी, जमलीन डी, सॉरी जमीला डी, एलेक्स डी, अर्पित डी, माधव डी, किशन डी, चलो निहारिका डी। क्या है भाई? मैल फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड का काम मेरा इम्यूनिटी कराने का होता है, ठीक है, इम्यूनिटी कराता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट कराएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लिम्फ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिल्टरिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिम्फ, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द लिम्फ, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर लिम्फ नोड मैल फंक्शन भी कर रहा है। फिल्टरिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लिम्फ में दिक्कत आएगा, और ये आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, गुड जॉब गाइज, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था और आप लोगों ने सही कहा, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। फिल्टरिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लिम्फ, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही।
चलो अगला अगला देखो, क्या है? लब डब पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी और पुरकिंजे फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर? 2003 में भी आया है और 2008 में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर? जल्दी। हाँ जी बिल्कुल सही अमान। चलो चलो जल्दी आंसर गाइस, जल्दी क्या है? लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वेल्व इन द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डब सडन ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वेल्व इन द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टेरियल वेव ऑफ ब्लड वेसल और पुरकिंजे फाइबर इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। जल्दी ए ए ए ए ए ए ए डी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं कुछ। देखो लब मेरा होता है कब? जब मेरा क्लोजर ऑफ एवी वेल्व मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व का क्लोजर होता है तो इसको लब कहते हैं। तो पहला ही हो गया, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और शार्प क्लोजर ऑफ एवी वेल्व को हम लब कहते हैं। ठीक है, डब मेरा होता है क्लोजर ऑफ ऑफ क्या? सेमी लूनर वेल्व। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वेल्व। तो ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वेल्व नहीं होता, यहां पे क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व होता है, उसको डल कहते हैं। पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी, तो उसमें भी साउंड नहीं आएगा। ठीक है, और पुरकिंजे फाइबर मेरा इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट नहीं करता, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट मेरा करता है एसए नोड। एसए नोड मेरा इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। लब मेरा क्या हो रहा है? लब मेरा काम कर रहा है शार्प क्लोजर ऑफ एवी वेल्व। तो जब देखो क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल हुआ, जब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो वेल्व क्लोज हुआ। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा तो इनिशियली क्लोजर ऑफ एवी वेल्व होगा एंड ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वेल्व होगा ताकि ब्लड बाहर जा पाए। ठीक है, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगनिंग में होता है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ अभिजीत, इसका पीडीएफ, सबका पीडीएफ आपको मिल जाता है। ठीक है, थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। हार्डनिंग या थिकनिंग ऑफ आर्टरी जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। चलो जल्दी देखो, जल्दी अगला देखो। ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हार्डनिंग ऑफ आर्टरी होता है तो इसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अगर प्लेक्स का डिपोजिशन, अगर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स का डिपोजिशन होता है, अगर मान लो यहां पे प्लेक्स का डिपोजिशन होता है तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अगर हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो रहा है तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है और ऐसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तो पता ही है, रूमेटिक हार्ट आपका डिजीज हो गया और कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट बंद हो गया तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो चलो अगला क्वेश्चन जल्दी। क्या हो गया मैंने नेट को? अगला क्वेश्चन क्या है? डी बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या है भाई?
द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स इट्स कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल्स. तो कोएगुलेशन में क्या होगा भाई, तो कोएगुलेशन प्रिवेंट करता है हिपेरिन. हिपेरिन मेरा एंटी कोएगुलेंट है, तो हिपेरिन मेरा एंटी कोएगुलेंट है और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. बिल्कुल सही, डी मेरा हिपेरिन हो गया. ठीक है, थ्रोम्बिन मेरा क्लॉटिंग कराता है, हिपेरिन मेरा क्लॉटिंग नहीं कराता. डी इज द करेक्ट आंसर. बच्चे वाला क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तुम लोग बस ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो. चलो ये क्वेश्चन देखो, हीरोडीन इज अगला क्वेश्चन. ध्यान से पढ़ो, तुम लोग आराम से पढ़ो, हम लोग जल्दी जल्दी करें, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि. चलो चलो अगला जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सी नहीं नहीं S3 S4 तुम नॉर्मल स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हो सनी, ऐसा नहीं होता. S3 क्या होगा, तुम्हारा डाइकोटिक वेव्स का जो आवाज होता है वो S3 होता है, और S4 वो सुन सकते हो. ऐसे नॉर्मल स्टेथोस्कोप से भी आप सुन सकते हैं. पोजीशन डिपेंड करता है आप किस हार्ट के पोजीशन पे आते हैं. 4 लाख का स्टेथोस्कोप लेके करो क्या, कोई पॉइंट नहीं है, उससे बढ़िया तो टेस्ट आ जाएगा. ठीक है, हाँ सी 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 ठीक है. सी क्या है भाई, अ प्रोटीन प्रोड्यूस रिच इन लाइसिन. नहीं, हीरोडीन मेरा एंटी कोएगुलेंट होता है, हीरोडीन मेरा एंटी कोएगुलेंट होता है, ये ब्लड को थिन करता है. तो जहाँ पे क्लॉट है वहाँ पे काम करता है हीरोडीन. ठीक है, तो अ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजीनिक ब्रासिका नेपस विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग. बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग. हाँ ठीक है, एंटीबायोटिक जेनेटिकली इंजीनियरिंग नहीं, और ये मेरा आंसर ये नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर. हाँ, हीरोडीन इज एन एंटीकोगुलेंट, ये एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन का क्वेश्चन है. अगला अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है भाई अगला क्वेश्चन, द फिगर गिवेन बिलो शोज एन एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी पता ही होता है आपको क्या होता है. ठीक है, एंजियोप्लास्टी ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है यहाँ पे. तो एंजियोप्लास्टी हम क्या होता है, एक कन्वीनियंट आर्टरी से एक तार गुजारते हैं और उस तार से फिर हम काम कराते हैं. बी 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 ठीक है ठीक है. क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंजियोप्लास्टी, इसको बलूनिंग कहते हैं. देखो इस प्रोसेस को पूरा समझाते हैं कैसे होता है. होता क्या है कि अगर सपोज मान लो ये मेरा कोई आर्टरी है, ध्यान से सुनना ठीक है. अगर सपोज मान लो मेरा कोई आर्टरी है, इस आर्टरी में यहाँ पे प्लेक्स का डिपोजिशन है. क्या है, इस आर्टरी में मेरा यहाँ पे प्लेक्स का डिपोजिशन है. अब क्या करते हैं, हम एक तार सा यहाँ से लेके जाते हैं. क्या करते हैं, हम एक तार सा यहाँ से लेके जाते हैं और इस तार से फिर यहाँ पे इसको फुलाते हैं ताकि ब्लड जहाँ ब्लॉक्ड हुआ है, जहाँ पे मेरा ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड हो गया या रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, वहाँ से इस कोलेस्ट्रॉल या प्लेक्स को हम निकाल लें और इसको हम सक करके वापस बाहर निकाल लेते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बलूनिंग. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बलूनिंग और यही यहीं पे होता है. तो क्या है, इट इज़ द कोरोनरी आर्टरी विच इज ब्लॉक्ड बाय प्लेक एंड द सेम इज बीइंग क्रैक्ड. बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर. तो जो ब्लॉकेज आ गया, कोरोनरी आर्टरी जो है मेरा जिसमें प्लेक्स के डिपोजिशन कारण ब्लॉकेज आ गया, एंड ड्यू टू दिस ब्लॉकेज मेरे हार्ट को खून नहीं पहुंचता, हार्ट को मेरे ब्लड नहीं मिल पा रहा था. तो इसको हम पहले हम एंजियोग्राफ करते हैं और अगर एंजियोग्राफ में कुछ निकल जाता है तो तभी के तभी हम उसका एंजियोप्लास्टी कर देते हैं. मतलब हम जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को हटा देते हैं. तो बहुत ईजी तरीका होता है, एक पतला सा तार जाता है, उसके बाद उसको हम फुला देते हैं. फुलाते हैं तो क्या होता है,
कि ये ब्लड फ्लो आपस वापस आ जाता है और जो प्लेक्स होता है उसको हम सक कर लेते हैं और हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस फिनोमिना को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आर्थेरोस्क्लेरोसिस के केस में ही हम ये करते हैं, ठीक है। अगला, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनसली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट्स। क्या हुआ, हम पेसमेकर लिए और पेसमेकर सबक्यूटेनसली हार्ट में लगा दिए और उसको हम कनेक्ट कर दिए। मेरा कहाँ से हम कनेक्ट कर दिए, इस पे हार्ट से, तो क्या होगा उसमें? टाइटेनियम ले सकते हैं मेटल का वायर, कोई भी नॉन रिएक्टिव मेटल हम ले सकते हैं, ठीक है, टाइटेनियम ले सकते हैं। और थोड़ा पेनफुल होता है, क्या होता है कि हम डायलेट करते हैं और बेसिकली कन्वीनियंट हम या तो रेडियल आर्टरी से निकालते हैं या फेमरल आर्टरी से निकाल के हम उसको हार्ट तक ले जाते हैं। तो बिल्कुल एक केयरफुली गाइडेड प्रोसेस होता है, हम डाई डालते जाते हैं और उस डाई के थ्रू हम अंदर अंदर घुसाते रहते हैं, ठीक है। सी 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 क्या है भाई, हैविंग 90% ब्लॉकेज। तो अगर ब्लॉकेज हो गया तो क्या फायदा है, ब्लॉकेज हो गया तो हमको वो करना होगा, एंजियोप्लास्टी करना होगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। इरेगुलरिटी सफरिंग फ्रॉम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से भी कोई मतलब नहीं है। इरेगुलरिटी इन द हार्ट रिदम, बिल्कुल, अगर ऑटो रिदमिक एक्टिविटी मेरा हार्ट का कम हो रहा है तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाएंगे जो मेरे हार्ट के रिदम को नॉर्मल करेगा, ठीक है, रिदम को नॉर्मल करेगा। तो अगर मान लो हम किसी पेशेंट का ECG किए और उसका कुछ स्किप कर रहा है, मतलब मान लो QRS पीक स्किप कर रहा है या P पीक स्किप कर रहा है, मतलब रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट नहीं है, तो उस केस में हम उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं ताकि मेरा हार्ट का बीट रिदमिक हो। मतलब कि हर बार ये जो मेरा पेसमेकर है वो 70-75 इंपल्स पर मिनट रिसीव करेगा और वो रिदमिक वे में रिसीव करेगा, ठीक है। बाबू लिथियम बैटरी का स्टोरेज ज्यादा होता है प्लस नॉन रिएक्टिव होता है इसलिए हम उसको यूज करते हैं उसमें। क्या हुआ गीतू, क्या समझ नहीं आया बताओ बेटा, जो समझ नहीं आया समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, पढ़ा नहीं इस चैप्टर को आपने क्या? चलो अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू आइटम्स मीन्स वन एंड द सेम थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू आइटम मीन्स वन एंड द सेम थिंग, जल्दी बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू आइटम मीन्स, नहीं नहीं, हार्ट अटैक में आप एनेस्थीसिया यूज करते हैं, क्या बात करते हो, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कैसे करोगे, कोई उपाय नहीं है बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करने का, हार्ट अटैक पेशेंट में हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं, गलत सुना है। क्या हुआ अनुराधा, बहुत कम डोज होता है जो पावर ऑफ पेसमेकर बैटरी होता है, बहुत कम पावर का होता है, उसको तो इंपल्स ही जनरेट करना होता है, इंपल्स जनरेट करने में बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगता इसलिए हम यूज़ करते हैं उसको, और वो लॉन्ग ड्यूरेबल भी होता है, बाद में उसको हम फिर 2-3 साल में फिर हम पेसमेकर चेंज करते रहते हैं उसको। चलो क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मेलियस इंकस स्टेफ होता है, हैमर एनविल स्टिरफ होता है, क्या होता है, मेलियस इंकस स्टेपिस, जिसको हम कहते हैं हैमर एनविल और स्टिरप, है ना, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, तो ये वाला गलत हो गया। एसए नोड मेरा पेसमेकर होता है, सही है, ल्यूकोसाइट जरूरी नहीं है लिम्फोसाइट, तो ये गलत हो गया। हीमोफीलिया ब्लड कैंसर नहीं होता, हीमोफीलिया इज अ तुम्हारा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, इट इज अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो मेरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन था ये, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगला,
क्या अमन कोई बात नहीं, चलो अगला देखो, अगला देखो। वॉक्समैन कैनाल, ब्लैकमैन कैनाल, ये सब सब पढ़ा देंगे यार, तुम लोग टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब तुम्हारा। कॉलेज कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आज तुम? चलो अगला, अगला देखो क्या है। लव, इट इज द हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, इट इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल। तो इट इज एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, हेलो अविनाश, चलो हाँ ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। लव मेरा क्या होता है, ध्यान से, लव मेरा क्लोजर ऑफ बाय कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वेल्व होता है। लव मेरा क्लोजर ऑफ बाय कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वेल्व होता है, बिल्कुल सही, ये सही है, ठीक है। दूसरा रीजन, इट इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ बाय कस्पिड एंड ट्राई कस्पिड वेल्व, बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, हेलो निखिल, दर्श अभी कुछ फाइनल नहीं है बेटा, देखो इस बार अभी होगा या नहीं होगा नीट वाला, अभी चेंजेस ना, अभी उस पर लोड मत लो, अभी जैसे पहले तैयारी कर रहे हो करते रहो, देखा जाएगा एसएससी रीजन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, कॉन्सेप्ट तो इम्प्रूव होगा ना, तो आएगा नहीं आएगा वो सब बात का देखेंगे, अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट हम इम्प्रूव करते हैं, बाद में एग्जाम के लिए हम देख लेंगे, पैटर्न आगे पीछे होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। डी 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 सनी डी देवांशु डी, चलो और लोग बाकी आंसर दो, कहाँ तुम लोग सब सो गए हो, जल्दी आंसर दो, क्या है भाई। व्हेन देयर इज अ फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, दिस इज कंपनसेटेड बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन। वाई वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन होगा, अगर लॉस इन ब्लड वेसल्स है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी होगा ना, आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। Veins hold extra amount of blood which can be shifted to the arteries when required. ये भी गलत हो गया। Veins do has extra amount of blood, but the point is कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि veins का वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, अगर ब्लड वॉल्यूम में कम है तो बीपी हम बढ़ाते हैं, है ना, हम रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ा देते हैं जब मेरा लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, विच लीड्स टू हायर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन टू द, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लोअर लेग में मसल पेन हो रहा है, विटामिन ई डिफिशियंसी होता है, ईवीएन 600 खाओ, 7 दिन तक अपने आप वो मसल पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है, दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। ब्लड कोएगुलेट्स इन इंजर्ड ब्लड वेसल, अनइंजर्ड ब्लड वेसल में ब्लड कोएगुलेट कर रहा है, ब्लड कोएगुलेट्स इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, ब्लड कोएगुलेट्स इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल, ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा अनइंजर्ड ब्लड वेसल में, सिर्फ इंजर्ड साइट पे, सिर्फ इंजर्ड साइट पे मेरा ब्लड कोएगुलेट करता है ना, इंजर्ड साइट पे मेरा ब्लड कोएगुलेट करता है, और अनइंजर्ड ब्लड वेसल रिलीज एन एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन वैसे भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, इसके केस में भी जो आंसर है वो डी होगा, बिल्कुल सही, डी इज द, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला, मसल फाइबर्स
ऑफ एसए नोड पजेस लोएस्ट रिदिमिसिटी अमंग ऑल कार्डियक मसल्स, सही है या गलत है? मसल फाइबर्स ऑफ एसए नोड प्रोड्यूस अनइंजर्ड, बोला है चलो अगला, मसल फाइबर्स ऑफ एसए नोड पजेस द लोएस्ट रिदिमिसिटी अमंग ऑल कार्डियक मसल्स, मसल फाइबर्स ऑफ एसए नोड प्रोड्यूस द लोएस्ट, क्या सफोकेशन प्रॉब्लम किस कारण से हो रहा है बाबू? दौड़ो धूपो थोड़ा, ऑक्सीजन का इंटेक ठीक होगा एक सेकेंड, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, एसर्शन फॉल्स, बिल्कुल सही। क्या है? सबसे ज्यादा रिदिमिसिटी, हाइएस्ट ऑटो रिदिमिसिटी जो है, ऑटो रिदिमिसिटी जो है वो मेरा किसका सबसे ज्यादा होता है? वो मेरा एसए नोड का मैक्सिमम होता है। तो रिदिमिसिटी मेरा एसए नोड का मैक्सिमम होता है, दैट इज 72-75 बीट्स पर मिनट। तो इसलिए ये भी अलग, फिर भी इसका आंसर डी हो जाएगा, एसर्शन गलत है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत कारण से सफोकेशन हो सकता है, सफोकेशन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तुम्हारा कोई कहीं ब्लॉकेज है, वैसे आप जजमेंट नहीं कर सकते ना, डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे सिम्टम्स को आपको देखना पड़ता है ना। चलो अगला ऑप्शन इसी में आता है ना बाबू। चलो फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कल हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के लिए। कुछ टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, ईसीजी पढ़ना है या कार्डियक साइकिल पढ़ना है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो बताइए, कल मैं क्लास में उसको बता दूंगा। ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ना है क्या आपको? बस खत्म हो गया क्लास बाबू, टाइम हो गया, टाइम अप हो गया। कोई टॉपिक पढ़ना है आपको? एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। और गाइज, यू कैन फॉलो मी एट unacademy.com/user/anandsir01। अभी मेरी 10:30 PM पे अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास है। किस पे स्पेशल क्लास है? मेरी इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो 10:30 PM आ जाइए, स्पेशल क्लास है मेरी अनअकैडमी ऐप पे, जहां पे हम इवोल्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 10:30 PM आ जाओ, यहां पे आपको ये URL बस डालना है, unacademy.com/user/anandsir01। ठीक है, और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। और कमेंट सेक्शन में आप डालो, देखो कमेंट सेक्शन में आप डालो कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है या कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है, मैं उस टॉपिक को इसी क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। जैसे सपोज मान लो सर्कुलेशन में तुम्हें ECG में दिक्कत आ रही है या कार्डियक साइकिल में दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, सर मुझे आप कार्डियक साइकिल फिर से बता दो, सर मुझे आप ECG फिर से बता दो, मैं सारे कमेंट्स आपको देखता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ अच्छी बात लग रही है तो बताइए, आपको लग रहा है एनर्जी थोड़ा कम है या कुछ बुरी बात लग रही है तो बताइए, है ना, ताकि आपके फीडबैक से मुझे, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा कि उसको उस हिसाब से हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप बताइए, हम उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। द होल पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज कि आपका डाउट क्लियर हो। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है आपको। क्या अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन करके जा रहे हो तो इस 10 क्वेश्चन में से आपके 3 कॉन्सेप्ट कम से कम ठीक होने चाहिए, राइट? तो जितनी गलती करोगे आप उतना अच्छा है, बट द पॉइंट इज कि आप उससे सीखो। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको आज के लेक्चर में समझ में नहीं आया कि सर इस क्वेश्चन में ये लॉजिक समझ नहीं आया, तो उसके पीछे का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उस तरह से हम, इस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये नीट एम्स के पचड़े में मत पड़ो। अभी जो नीट एम्स का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी को कुछ खास पता नहीं है, तो इसके लोड में मत पड़ना, आराम से आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, और गाइज आप लोग का डेडिकेशन देखे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। 10:30 PM हम लोग मिलते हैं फिर से स्पेशल क्लास में, यहाँ पे 10:30 PM में हम लोग स्पेशल क्लास में मिलते हैं। आओ स्पेशल क्लास में, हम लोग फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे और भी जो भी कॉन्सेप्ट है आपके उसके इवोल्यूशन के, तो इवोल्यूशन के एम्स बेस्ड क्वेश्चन हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो गाइज
फिर बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट, बाय।